बस यारो बहुत हो गया अब इस चीज को खत्म करना ही होगा रेप जैसी चीज को खत्म करने से पहले आखिर ये लोग है कौन ऐसा क्यों करते आखिर ऐसा करने के रीजन क्या क्या है तो ये सब जानना जरूरी है वेल माइस मोहम्मद यूर वॉचिंग मोहम्मद डायरीज तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक है थैंक यू सो मच गाइस आप सबने मुझे बहुत सारा प्यार दिया और हाँ अपडेट फ्रॉम डायरी पहला है ड्रग्स एंड अल्कोहल हाँ ये भी एक रीजन है रेप होने के इसमें इंसान कॉन्शियस स्टेट में नहीं रहता मेरा मतलब इंसान शैतान बन जाता और गलत काम करता खैर हमारे इस्लाम में हराम है अल्कोहल कोई भी नशीली चीज हराम है अब अगर अल्कोहल की बात आई गई आजकल औरत भी पी रहे अल्कोहल खैर वो लोग की मर्जी है पर हाँ वो अपनी जिंदगी रिस्क में डाल रहे ऐसा ना हो आपकी ड्रिंक में कोई कुछ मिला दे और आपके साथ कुछ गलत हो जाए और हाँ अल्कोहल का सबसे ज्यादा इफेक्ट औरतों पे होता और हेल्थ पे भी ये सबसे बोलना ये है अल्कोहल और अल्कोहल पीने वाले से दूर रहिए दूसरा है मेल ईगो ये सबसे बड़ा रीजन है रेप होने के ईगो में आके इंसानियत भूल जाते खैर इंसानियत तो दूर की बात है ये लोग अपने सो कॉल्ड एटीट्यूड ईगो के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हाँ साइको भी बोल सकते आप लोग एग्जाम्पल आप किसी शख्स के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिए पर रिजेक्ट करने के साथ साथ आप डिसरेस्पेक्ट या फिर कोई कमेंट कर दिए और उसके ईगो पे आ गई वो बात इसलिए सबसे बेटर आप रिस्पॉन्ड ही मत करो या फिर सिंगल वर्ड में नो बोल दो और हाँ जिसको मेल ईगो रहता वो लोग फेमिनिज्म के अगेंस्ट रहते अब वो क्यों मैं नेक्स्ट पॉइंट में बोलूंगा नेक्स्ट है सोसाइटी एंड डोमिनेंस तो हाँ डोमिनेंस भी एक बड़ा रीजन है रेप होने के हमारी इंडियन सोसाइटी अब तक भी डोमिनेंस पे ही चलती डोमिनेंस से मेरा मतलब है लड़कों को लड़कियों से ज्यादा इम्पोर्टेंस और वैल्यू करना या फिर फ्रीडम देना एग्जाम्पल अगर कोई लड़का गलती करा तो कुछ नहीं बोलना पर लड़की गलती करे तो बहुत कुछ बोलना मतलब नो इक्वालिटी इससे लड़के लड़कियों को कमजोर समझते काश स्टार्टिंग से लड़कों को लड़कियों की इज्जत करना सिखाते तो अपनी सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है ये सबके लिए नेक्स्ट है हार्मोनल चेंजेस तो इसमें पेरेंट्स अपने लड़कों को यंग एज में ही फ्रीडम दे देते या फिर उनपे फोकस करना छोड़ देते वो भी जब हार्मोनल चेंजेस के टाइम पे जिससे वो गलत रास्ते पे चले जाते जहाँ वो किसी भी गलती से डरते नहीं फिर वो अपने सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए रेप भी कर सकते तो हाँ ये भी एक रीजन है नेक्स्ट है पौन एडिक्शन देखो सब रीजन एक जगह पे असल रीजन रेप होने के यही है अब वो कैसा सुनो पहले तो वो लोग की सोच गंदी हो जाती वो लोग हमेशा गंदा ही सोचते वो लोग के मन में गंदे फैंटेसी क्रिएट होते रहते वो पौन को रियल लाइफ समझते इन सब से वो वुमेन की डिसरेस्पेक्ट करते क्योंकि पौन के वजह से वुमेन की वैल्यू गिर जा रही और हाँ सेक्सुअल हरासमेंट भी इसलिए ही हो रहे आजकल लव भी पहले जैसा नहीं रहा सब कुछ लस्ट हो गया ये सपना फ्री इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करने से हो रहा हाँ मैरिजेस भी लेट हो रहे तो ये भी एक रीजन है नेक्स्ट है इंडियन कल्चर हम इंडियंस अपना कल्चर बिल्कुल भूल गए आजकल सब वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे इंडिया अपने कल्चर ट्रेडिशंस स्क्रिप्चर्स इंडियन ड्रेसिंग लाइक साड़ी कुर्ता एंड सलवार और डिफरेंट फेस्टिवल्स के लिए जाना जाता पर हम सब वेस्टर्न ड्रेसेस वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे देखिए आपकी मर्जी है आप जो चाहे पहन सकते पर मेरी इस बात को सोचिएगा जरूर शायद इसी वजह से लोग आपको सबसे अलग और गलत नजर से देखते और फिर आपके साथ कुछ गलत कर देते नेक्स्ट है रिलीजियन एंड कैस्ट पेरेंट्स अपने बच्चों को स्टार्टिंग से रिलीजियन इम्पोर्टेंस समझाना जरूरी है जैसे होली स्क्रिप्चर्स हमारा गॉड कौन है लाइफ आफ्टर डेथ हेवन एंड हेल्थ गुड डीड्स इम्पोर्टेंस और हाँ मॉरल वैल्यूज भी इन सबसे आपके बच्चों के मन में गॉड का डर रहता जिससे वो कुछ भी गलत नहीं करते सो लैक ऑफ फियर इन रिलीजियन टेंस टू रेप हाँ कैस्ट भी एक रीजन है देखो कैस्ट में लोअर अपर दो रहते जिससे लोग एक दूसरे को छोटा बड़ा समझ लेते अपने कैस्ट के सपोर्ट के वजह से ये लोग दूसरे कैस्ट की औरत का गलत करते और ये भूल जाते वो सब एक इंसान है तो प्लीज कोई भी औरत आपकी माँ या आपकी बहन समझ के चलिए नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन तो हाँ ये भी एक रीजन है गरीबी के वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने हाल पे छोड़ देते और पढ़ा भी नहीं सकते तो ऐसे बच्चे पॉलिटिक्स या क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते और सोच तो गलत हो जाती क्योंकि एजुकेशन नहीं देने से नेक्स्ट है फ्लट पब्लिकली जो शख्स लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता टीस करता या फिर ब्लैकमेल करता या फिर हेरासमेंट करता कॉलेज में जूनियर पे या फिर गंदे कमेंट्स करता या फिर फॉलो करता तो नो डाउट वो भी एक रेपिस्ट है एट लास्ट लैक ऑफ सेक्स एडुकेशन हम सबको सेक्स एडुकेशन की नॉलेज रहना बहुत जरूरी है थोड़े लोग तो एस का मतलब तक नहीं जानते सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और हाँ एच जैसे बहुत सारे डिजीज भी है जो फोर्सफुली सेक्स करने से होते सो एजुकेशन स्टॉप रेप तो हाँ ये थे कुछ रीजन और पॉइंट जिससे हम सब मिलके सही कर सकते और इंडिया से रेप खत्म कर सकते चलिए कुछ प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी टिप्स पे बात करेंगे पहला है पेपर स्प्रे खैर मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता हूँ इस स्प्रे के बारे में बट एज ए सेफ्टी आप लोग ये यूज कर सकते हैं नेक्स्ट है मोबाइल एप्स आजकल बहुत सारे एप्स है वुमेन सेफ्टी को लेके पर सबसे जरूरी कॉमन एप्स क्या क्या है वो बताऊंगा पहला ऐप है व्हाट्सएप व्हाट्सएप की मदद से आप अपना लाइव लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं और हाँ फोन पे हमेशा जीपीएस ऑन रखिए दूसरा है गूगल मैप्स इसकी मदद से दूसरे आपका लोकेशन ट्रैक कर सकते और इस ऐप को हमेशा अपडेट रखिए और हाँ पोलिस अलार्म भी यूज कर सकते हैं आप लोग तो। नेक्स्ट है आप अपने पेरेंट्स या लव्ड वंस को आप कब कहाँ रहते आपके जाने का और आने का रास्ता कौन सा है ये सब की इंफॉर्मेशन देना जरूरी है नेक्स्ट है इमरजेंसी नंबर या फिर हेल्पलाइन नंबर वन जीरो जीरो या फिर वन वन टू आप डायल कर सकते या फिर अपने लव्ड वंस का नंबर स्पीड डायल पे रखिए और हाँ नंबर याद रखिए अपनों का कभी फोन साथ में नहीं रहने पे काम आ जाता नेक्स्ट है आप कभी कैब या ऑटो हायर करने से पहले नंबर जरूर देखें और कोशिश करिए ड्राइवर के सामने ऑटो का नंबर और आपका लोकेशन आप ये सब डिटेल्स कॉल पे शेयर करें अगर कभी फोन ऑफ हो गया तो फेकली बात करने की एक्टिंग करिए इससे वो आपको अपने घर सेफली ड्रॉप कर देगा नेक्स्ट है अगर कोई आपसे फ्लर्ट या बदतमीजी कर रहा तो इग्नोर करिए रिस्पॉन्ड तो बिल्कुल मत दीजिए पर हाँ अगर बात बिगड़ जाए तो जितना जोर से चिल्ला सकते चिल्लाइए या फिर सेल्फ डिफेंस टेक्निक इस्तेमाल करिए नेक्स्ट है कभी कोई स्ट्रेंजर पे बिलीव मत करिए वो कितना भी डिसेंट या प्रोफेशनल दिखने दो नेक्स्ट है काम से लेट मत आइए कभी लेट हो भी गई आप अपने लव्ड वंस या फैमिली मेंबर को पिक करने के लिए बोलिए नेक्स्ट है जब कभी भी आप अपने घर पे अकेले हैं, डिलीवरी या सर्विस लोगों को मत बुलाइए नेक्स्ट है ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए हमेशा अलर्ट और अपनी हिफाजत करिए ऐसा नहीं कि बाद में रिग्रेट करना पड़े एट लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट हमेशा दुआ पढ़ के बाहर निकलिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और हाँ सब्सक्राइब भी कर दो उसके साथ वो घंटा भी बजा दो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके ओके गाइड सी नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज